मारू अब यू टर्न चले वापिस। क्या लंबा चौड़ा पहाड़ है। नहीं प्यार करोगे चखोगे नहीं फिर नहीं कटेगा। तो मैडम 120 ऊपर चला रही थी, पकड़ लिया चलान वालों ने। भैया ये वाला घर वापसी छोड़ देना। ये देखो पानी का प्रेशर, पानी क्या कर सकता है, पटरी बह के बाहर आ गई है। भाई साहब वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, स्वागत है आपका। जितने बंदे मनाली जा रहे हैं प्लीज देख कर जाना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत। सुबह के 6:46 आपको जरा बाहर का मौसम दिखाऊं। उठा था मैं सुबह 5:30 बजे का, हुआ खुल गया सिम। ये देखो तगड़ी बारिश भाई, तगड़ी बारिश। तो भाई बादल गरज रहे तगड़े वाले, और अपनी गाड़ी भी कितनी सुंदर लग रही है। प्लान ये कि आज हम दिल्ली से मनाली निकलेंगे, प्लान ये है था, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से मैं यही सोच रहा हूँ कि जाएं या ना जाएं, 7 बजने वाले हैं। और सामान हमारा सारा पैक है, ये बैग पैक पड़े हैं, पापा भी तैयार हो रहे हैं, हो जाओ फटाफट से तैयार। और सारी की सारी चीज़ें भी हमने चार्ज कर ली हैं, एयर पंप भी रख लिया है, ड्रोन का रिमोट हो गया, ड्रोन की बैटरी हो गई, लैपटॉप हो गया, एयर पंप हमने 2 रखे हैं। ये तो इलेक्ट्रिक वाला है, ये गाड़ी से कनेक्ट हो जाएगा, बाय चांस दोनों में से ख़राब हो जाए। मतलब तैयारी पूरी है, लेकिन अभी भी दुविधा में है निकलें या ना निकलें। तो यहाँ अपनी चाय भी आ चुकी है, और मुझे लग रहा है शायद आज बारिश बंद ही नहीं होगी, पूरा दिन बारिश होएगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज का जो दिन है ना थोड़ा डामाडोल वाला है। बताया ना मैंने आपको सुबह 5 बजे से मैं उठा हूँ, सोच रहा हूँ निकले ना निकले। पापा से बात हुई, पापा कह रहे निकल जाते हैं, जहाँ तक जाया जाएगा। देखो अभी पापा ने भी छुट्टी ले ली शॉप की, कह रहे जहाँ तक जाया जाएगा, जहाँ तक हमें सेफ लगेगा कंफर्टेबल लगेगा वहाँ तक चलते हैं। अगर हमें लगेगा ना कोई रिस्क वाला काम हो रहा है यू टर्न मारेंगे वापस आ जाएंगे या कहीं और घूमने निकल जाएंगे, क्योंकि उस रास्ते पर भी और बहुत सारी चीज़ें आती घूमने के लिए। तो जैसा भी होता देख लेते हैं, क्योंकि सारा सामान वगैरह पैक कर लिया, मतलब पूरी तैयारी कर चुके हैं, और पापा ने तो कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी भी ले ली शॉप से, तो छुट्टी ना ख़राब हो जाए। तो घर से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तब तक चाय एंजॉय करते हैं। पापा के सिनेमैटिक शॉट। भाई इसको देख लो, पैंट ही नहीं छोड़ रहा। भाई तू भी चल रहा है, इसको लग रहा हम जा रहे इसको लेकर ही नहीं जा रहे। कोको अरे क्या कर रहा, इसको समझाओ ना कुछ पापा। अरे समझ गया ऐसा समझाया भाग ही गया। तो हम क्या सोचते हैं ना, बाहर बारिश हो रही है, सामान इतना सारा है, गाड़ी को बैक करके यहाँ तक ले आते हैं जितना ये है ना, ताकि आराम से सामान रख लेंगे और उसके बाद निकल लेंगे। बारिश तगड़ी हो रही है यार। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर लेकर जा रहे हैं, पूरा घर पूरे। जा भाई सब तक कर ले, जा रहे हैं। ऐसा देख के तो यही लग रहा कि भाई वापस नहीं आना। डिफेंडर के ले लिया सामान हमने, ऐसा भर लिया भाई, भर लो इतनी जगह भर लो, ऐसा थोड़ी होता, लेकिन चलो भर लिया तो भरते हैं। ऊपर से दरवाजा अटकता ही नहीं है, ऐसे ठीक है ना, बैग अटका जाएगा। चल भाई रखते हैं। गाड़ी का भरपूर फायदा उठाते हुए हम सब रेडी, समीरन भी पूरा रेडी, कोको भी पूरा रेडी, पापा ही पूरा रेडी, साहिब भाई पूरा रेडी। भाई क्या ठूस के लाई हो इन बैगों में, आपने बोला था पैकिंग कर लेना, अपने हिसाब से पूरा घर पैक कर लिया, पूरा घर पैक कर लिया, आप देख लेंगे आर या तो पार। चलो भाई ठीक है, सब रेडी है। क्या कह रहे, मकान पसंद आ गया, वापिस ही नहीं आना। चले भाई समीरन, चलो भाई कोको, ये तो सबसे पहले तैयार है, चलो चलो लाओ 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 ये कोको का बैग। ये तो है क्या था मेन चीज, तो हमने बाहर ही छोड़ दी कोको का बैग। सबसे मेन चीज तो हम भूल ही गए थे, हमारा गैस और हमारा चूल्हा, ये दोनों भी ले लिया। अभी भी देख लेते हैं भाई, एक बार घर से निकल गए ना, जो रह गया वो रह ही जाएगा। चलो भाई, क्योंकि चाय पत्ती का सामान आपने पिछले व्लॉग में देख लिया था, ले लिया था सारा, अगर ये ना होता तो चाय पत्ती बनाते कैसे, जिगर में बड़ी आग है, जिगर से बनाते भाई। चलो भाई फाइनली हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कोको वेट, और सब बाबा जी से प्रे करेंगे अच्छे से जाए, अच्छे से आए। कोको ने सारे शीशे खोल दिए,
इधर आ तू, इधर यार, इसको पकड़, इधर बैठ जा, आराम से बैठ जा। हाँ, ये कोको ने खोला, कोको ने पैर रखा था ना, तभी सारे शीशे खुल गए बारिश में। चलो सारे बाबा जी से प्रे करो, अच्छे से जाए, अच्छे से आए। कोको आप भी प्रे करो। तो अभी एक चीज और दिखाऊं आपको। वैसे हम ये वाले गेट से बाहर निकलते थे, लेकिन देख रहे हो सामने वो पेड़ गिर के रास्ता बंद हो गया है, तो हम अब दूसरे गेट से बाहर निकलेंगे। ये दिल्ली की बरसात है मेरे भाई, खतरनाक वाली। अभी पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। तो अभी आपको किलोमीटर दिखाऊं, 6251। अभी हम निकले हैं जस्ट गुड़गांव से। और एक चीज और बता दूं, अभी जो हमने गूगल मैप लगाया ना, ये लगाया अंबाला का, इसमें दिखा रहा है 3.5 घंटे, क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं करा कि हम कश्मीर से जा रहे हैं या मनाली से जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते डिसाइड करेंगे। पापा आप क्या कहते हो, वोट ले लेते हैं एक बारी, कुछ भी एक चीज चूज करो। कश्मीर से ले लो। तू बता। एज ए रास्ते का कंडीशन के हिसाब से कश्मीर का रास्ता बंद है। मैं तो हाँ यार, कश्मीर और मनाली बोल रहा खाली, तो मनाली से चलो। हाँ भाई चलो, मनाली से चलो, कश्मीर से चलो। यार ये अब इनकी शक्लें देख के पता लग रहा सारे के सारे कंफ्यूज बैठे, और इनमें मैं भी हूँ। मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज बैठा, तो समझ ही नहीं आ रहा कश्मीर से चलो या मनाली से चलो। और दोनों ही रास्ते ऐसे हैं कि जो खबर आई है ना कि यहाँ हल्के हल्के बंद है। अब देखते हैं आगे जाके, ज्यादा होगा तो एक राउंड मार के वापसी आ जाएंगे। पहुंच गया आप लोग पहाड़ों पे। मारू अब यू टर्न चले वापिस। क्या लंबा चौड़ा पहाड़ है, चीलों का पहाड़ है ये, इसको भी देखना है। हाँ मजा आ रहा है। कहाँ जा रहा है, रुक जा। अरे यार इसने ना अपना घर देख लिया एक्चुअली। कह रहा मेरा घर कहाँ लेकर जा रहा है, मेरे को भी ना बताए। वो देखो कोको का घर जा रहा है, देखने आए हैं। आइए देखने आए, कहीं नहीं लेकर जा रहे, कहीं नहीं लेकर जा रहे। भैया ये वाला घर वापसी छोड़ देना, इसको छोड़ देना घर, ठीक है। तो भी आपको कुछ टाइम पहले मैंने बताया था ना, वो घर के आगे गार्डन बनवा रहे हैं। तो पापा कह रहे हैं यार गार्डन इतना बड़ा है, वहां पर पैदल मेरे से नहीं घुमा जाएगा, तो पापा के लिए ट्रेन मंगाई है गार्डन में घूमने के लिए। भैया गलत जा रहे हो आप भी, ये सारे गलत क्यों जा रहे होते हैं। भैया यू टर्न मार के पीछे जाना है। पापा ये टायर तो लगा के नहीं लाया ट्रेन के, पंचर हो जाएगा। अरे अच्छा ओके ओके, पापा कहते पंचर हो जाएगा इस चक्कर में। चलो मैंने समझा दिया अभी उनको रास्ता, गार्डन में घूमने के लिए ट्रेन है। ये सारा सामान हमारा लेके रोड पे घूम ही जा रहे, पता नहीं कब पहुंचेगा घर पे, कब हमारा घर पूरा तैयार होगा। खाले खाले बेटा, खाना मिल रहा, खाले। हमें तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। कोको खाना पीना तो हो गया, आधा खाया आधा छोड़ दिया उसने। आधा नहीं, लास्ट बाइट छोड़ता है वो। तो आपके लिए छोड़ी होगी, दो बाइट है। हाँ तो होता नहीं लास्ट बाइट, जैसे होता है बच्चे खाते हैं तो लास्ट बाइट आप खा लो मम्मी, आप खा लो। ये आपके लिए छोड़िए, खा लो, निपटा दो, कोई नहीं देख रहा। आंखें बंद कर लो सारे, तुम भी आंखें बंद करो। खाली क्या, खाली पता नहीं कैसे निकलेगी आगे, मेरे को लग रहा है कुछ हुआ है। तो देखो एक वोल्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। क्या पता है, पानी बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा है। हाँ जो छोटी गाड़ियां है वो निकल नहीं पाते हैं, आगे फंस जाते हैं, तो इसलिए वो देखना पानी उधर से इधर आ रहा है, पटरी के यहाँ से यहाँ आ रहा है पानी। या तो एक दो गाड़ी अगर बंद हो गया होगा तो जाम लग रहा, तो जाम लग गया होगा। साले क्या मुझसे पूछ रहा है तू, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे हो। ये देखो पानी का प्रेशर, पानी क्या कर सकता है। पटरी बह के बाहर आ गई है। और पता नहीं क्या क्या बहेगा अभी, पटरी के ऊपर से निकल जाऊंगा। आम देखो कहाँ कैसे बेच रहे हैं। अरे आपने तो पत्थर दबा दिया,
भाई रोड पे थी ना पटरी। आम खाने किसने? वो आम कहाँ, भैया ने जो आम तोलने वाला तो भैया ने सर पे रखा हुआ है। तोलेंगे कैसे भैया आम? तो ये गाड़ी देखो, ओ भाई पूरे पापा लाइट तक पानी आया हुआ आगे, लाइट तक खतरनाक पानी हुआ है ना। आगे, 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 आगे। भाई साहब अच्छा टक्कर हुई है, ये देख ये पटरी पे चढ़ी है, देख रहा है यहाँ पर सारा मलबा, ये टक्कर खा के वहाँ गई है। समझ नहीं आया क्या हुआ, बस बहुत झोल मोल था, कौन क्या किससे टकरा, कौन बह गया, बस अभी रोड खाली है अब जा रहे हैं। तो भाई यहाँ से अम्बाला रह गए सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर, हम एक ढाबा दिखा है यहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कश्मीर की तरफ से जाए या मनाली की तरफ से जाए या वापस मुड़ जाए। तीन डिसीजन है, तीनों में से सोचना है। ये भी आ गया, कह रहा है खाने पीने की दुकान आ गई क्या, तूने अभी तो खाया गाड़ी में, यहाँ भी खाएगा? जिमनी आ गई, जिमनी जिमनी खाया दिख नहीं रहा है। अरे यही है जिमनी। अच्छा कौन है पॉटी कर रहा है, उसको पॉटी भी नहीं करने देगा कोको। अब इसको उससे मिलना है, आजा पहले खाना खा लेते हैं। अपना खाना खा लिया, हमारा भी खाएगा, सब खाएगा। हंसराज हंसना, हाँ बस इन्हीं के साथ मैंने भी काम किया हुआ, तो अभी स्कूल के बच्चे आए थे यहाँ पर तो मेरे साथ फोटो क्लिक करा रहे थे, तो भाई साहब पूछ रहे हैं आप कौन हो। गाना गाता हूँ, दिलेर मेहंदी जानते हो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, उनके साथ गाना गाता हूँ। तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुम तारा रहा, वो गाना इन्होंने लिखा था, ये गाना लिखा मैंने था, गाया उसने, कैसा लगा यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं ना, जैसे गए रोड में पानी उगा दिया उसकी वीडियो डाल दी, बच्चे ने ला दिए उसकी वीडियो डाल दी, जो करते हैं। कैसे है? आ जाओ आ जाओ। अब ये बताओ जो तुनक तुनक तुन तारा था किसने गाया? मैंने। भाई खा पी के अपने रास्ते पे दोबारा हम निकल चुके हैं, सिटी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है, कोको आ चुकी गहरी नींद जो कि खराटे मारा बीच बीच में, साहिबा आगे आ चुकी है, समीरन पीछे जा चुका है और अभी तक हमने प्लान नहीं करा कहाँ जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। जब किसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे ना तो आपको बता देंगे भाई हम यहाँ पहुंच गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कोई भी जा रहा हूँ हाय वाय करते रहा कर रहा ना, मन सा लगा रहता है, उनको भी एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए ना, और क्या वो भी टहल कर रहे हैं, हम भी टहल कर रहे हैं, ऐसी कोई भी जाए हेलो कैसे हो बढ़िया, हंसो और हंसाओ ये है जिंदगी, और क्या। कोको कह रहा सोने दो परेशान ना करो। भाई एक तो ये बारिश ने परेशान कर रखा है, दूसरा इस लड़की ने परेशान कर रखा है, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बाहर वो बरस रही है अंदर ये बरस रही है, और क्यों बरस रही है बता दूँ आपको मैं, ये अपना मेकअप वाला पाउच लाना भूल गई है, मेकअप वाला तो क्या ही है, क्या बोलूं मैं, तो उसके अंदर क्या था, काजल था और काजल मस्कारा मेरा ब्लर, हाँ तो फिर मेकअप ही हुआ ना, अब भूल गई तो भूल गई कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लेंगे आगे कहीं से, और वैसे मेकअप करके फायदा क्या, बाहर जाते धुल जाना है, तुम्हारी असली शक्ल बाहर आ जानी है, धुलता नहीं है ना, क्यों पापा फायदा है कोई मेकअप करने का, लगता ही नहीं है तो लगाना ही क्यों है, सनस्क्रीन मेरे पास है, काजल काजल है हमारे साइलेंसर से निकल रहा काले रंग का, हमारे पास सब कुछ है, वही तो कह रहा धूप ही नहीं है सनस्क्रीन का काम नहीं है, टेंशन ना लो सब कुछ दे देंगे काजल हम साइलेंसर से ऐसे निकाल के लगा देंगे, बस बारिश एंजॉय करो अभी। कोको बेचारे को और परेशान करके सो जा बेबी सो जा, उसको ऐसा लगता है कोई लड़ाई हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, मेकअप बॉक्स लाना भूल गई है, तू लाया अपना मेकअप बॉक्स, इसको बेचारे को जरूरत ही नहीं है। किसी ने खाना भाई? नहीं भुट्टा नहीं, सिर्फ सिर्फ तुमने खाना, फिर हम दांतों पे से निकालते ही रह जाएंगे, एक ही भुट्टा दे दो। हाँ जी गाड़ी इतनी बड़ी रोकी है, भुट्टा एक खा रहे हैं।
कोको भी खाएगा, कोको भुट्टा खाएगा नहीं खाएगा, ये खाएगा, ये मुक्का खाएगा, शायद भुट्टा खाएगी और जम गई आगे। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, फाइनली हमने प्लान कर लिया, हम जा रहे हैं अभी जम्मू की तरफ, जो कि रह गया है 360 किलोमीटर, 6.5 घंटे और बता रहे हैं, 6.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जम्मू के बाद आगे कहाँ जाएंगे या जम्मू घूम के वापसी आ जाएंगे, ये बात का प्लान है। अभी हमारा रूट ऐसा हो गया कि हमें कुछ नहीं पता, अभी आज जम्मू तक पहुँचना है, उसके बाद क्या करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो पता लगेगा, क्योंकि हमें बाद में पता लगेगा। तो आज जम्मू तक बस पहुँच जाए, रात के 8 बजे तक दिखा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे रोशनी रोशनी में पहुँच जाएंगे, 7:30 तक रोशनी रहती है, तब तक पहुँच जाएंगे तो बढ़िया है। बारिश नहीं पहुँचेंगे तो, हाँ बारिश ना मिले ना तो पहुँच जाएंगे। अभी बारिश बिल्कुल रुक गई है, थोड़ा मौसम भी साफ लग रहा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा हमें नहीं पता। मौसम भी ठीक ठीक है लेकिन बारिश रुक गई ना। ये आ गया जी भुट्टा, ये कैशियर हम साथ लेकर आए हैं, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं पीछे से कैशियर कैश दे देते हैं। नहीं, प्यार करोगे चखोगे नहीं सिर नहीं कटेगा। तो मैडम 120 ऊपर चला रही थी, पकड़ लिया चलान वालों ने, लेकिन बच गए हम। अगर यही मैं चला रहा होता ना 100% चलान कटता। ये चला रही थी तो बोला उनको भाई इस बार जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ध्यान से चलाएंगे, स्लो चलाएंगे, 120 से ऊपर नहीं चलाएंगे, नहीं नहीं 100 से ऊपर नहीं चलाएंगे। यहाँ स्पीड कितनी है मेरे ख्याल से 80-100 ही होगी। हाँ तो जितनी भी हमने बोला ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे, उन्होंने बोला अब दोबारा पकड़ लिया ना फिर पक्का चलान कटेगा, धीरे चलाना। पीछे आगे नहीं, आगे भी खड़े होंगे, ये पूरा पंजाब का एरिया है ना, यहाँ पर जगह जगह खड़े ही रहते हैं क्या। नहीं नहीं भूल गई, गजनी है ये। नहीं 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 मैम मेरे को कुछ बोलना है, बोलो बेटा। मैम कल बता दूं, अभी बोला तुमने। नहीं 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 मैंने अपनी बात काट के तुमसे पूछा, नहीं बोलने वाली थी मैं। क्या अगले व्लॉग में बता देंगे, अगले व्लॉग में हम इसको बताएंगे, मतलब आपको बताएंगे ये क्या बोलने वाले थे, अगर याद आ गया तो। चल कोको तू सो जा बेटा। लो जी इनको याद आ गया, क्या याद आया? चलान मेरी वजह से नहीं, कोको की वजह से, मतलब नहीं। अच्छा ये बोलना था। अरे अगर ये इसको याद ना आता ना, ये 3-4 दिन तक परेशान ही रहती, क्या बात थी क्या बात थी। ये सही बात है बिल्कुल, जैसे उन्होंने देखा ना डॉगी हमारे पास, कह रहे चलो चलान नहीं काटते अपना डॉगी दे दो, मतलब अगर जाता है ना तो ले जाओ, ये पास कह रहे जाओ तुम लोग जाओ इससे पहले इसे कटवा दो, और है करके जैसे नोला जाओ। ये देखो ये महाराज ये आके सो गए, बस है करने गया था, है मेरा चलान। नन्ना मुन्ना राही है, हमारी गाड़ी का सिपाही है। कोई हमसे लेगा पंगे, ये करेगा दंगे। ये कोई नहीं, कोई लेगा हमसे पंगे, करेगा ये दंगे दंगे। तो आगे ट्रक जा रहा है बहुत ही हैवी चीज लेके, और बहुत ही स्लो स्लो जा रहा है, और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जगह मिलेगी तो चलेंगे। ये वो सब है अभी, ये हमारे घर के लेंटर डालने के वो है ना लोहे भाई। हाँ पापा ऐसे ना एक बार खंबा जा रहा था, खंबा मुझे कुत्ते जोर पड़ते हैं, क्यों सुसु करना होता उनको। तो इसके पीछे हम क्यों जा रहे हैं, हम तो आगे निकलने के लिए जा रहे हैं, हम सुसु करने थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा आपको ये बताइए है क्या चीज, ये हमारे घर के गार्डन है लेंटर डलने के लिए। अच्छा, तो घर भी तो बड़ा बन रहा ना, अभी देखी नहीं हमने वो टैंकी वैंकी गई थी हमारे घर की। अच्छा, तो ऐसे भी पास से दिखाता हूँ इनको ना। लो भाई कोको महाराज को शायद पॉटी आई है, शोर मचा रहा था तो बाहर बारिश हो रही, छतरी के नीचे पॉटी करेगा आज। देखा कभी किसी डॉगी ने छतरी के नीचे पॉटी करी हो? अच्छा छतरी के नीचे तुम हो, बेचारे कोको गीला करोगे मेरे। ओए तुम्हारे समीरन महाराज को सामने शॉप पर दिख गई है पैटी, अब वो लेने गए पैटी, खाएंगे पैटी और बन जाएंगे पैटी। आई थिंक कोको की पोटी भी हो गई है। वीट, 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 वीट। कर ली? नहीं करी, नहीं करी, और रुक जा ओए, पहले टॉवल से तेरे पैर साफ होंगे। ये अब वो एक टॉवल पे पैर साफ। एक्सक्यूज मी सर, ओहो दिस फॉर यू, टिश्यू पे रख के खानी है ये, प्लेट ही नहीं देंगे ना इतने। अच्छा ठीक है टिश्यू पे खा लेंगे भाई, रख दे टिश्यू पे। एक्सक्यूज मी मैम, डू यू हैव अ
Do you have a patty? नहीं, Do you want to eat a patty? अगर ये सीन तूने काट दिया तो तेरी गर्दन कटेगी. फ्लो में हो गया था. ठीक है ठीक है. क्या सही रोशनी आई है. ऐसा लग रहा अभी गुड मॉर्निंग हुई है, लेकिन गुड मॉर्निंग सबकी नहीं हुई. कोको की भी हुई है, लेकिन पीछे कईयों की गुड नाइट हो रही है. हंस रहा है. तो यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, बहुत सारे पकोड़े वाले हैं लाइन में, दूर तक जहां तक नजर जा रही है पकोड़े वाले हैं, लेकिन किसी को खाने नहीं है. तुम्हें खाने हैं पापा? ओ पापा नहीं बेटा, नहीं. समीरन नहीं, किसी को भी नहीं खाने. खाने होते तो पक्का रुकते. लेफ्ट साइड राइट साइड कोको उसको मतलब ही नहीं है उसको सही. ये क्या तुम तो असले पकौड़े बेचने वाले नहीं आए थे? पकौड़े पकौड़े डरा दिया बेचारे. कुछ नहीं बेटा, सुनता डरा दिया उसको. सो जा बेटा. चलो भाई चलो, किसी को नहीं खाते भाई. क्या सही लग रहा है बादल, क्या सही. आज हमने अलग अलग नजारे देखे हैं. अरे कोको, और कोको को भी मेरे को लग रहा है दोबारा से आई थिंक पोटी आई है. यहीं रोक दूं? ले भाई कोको, तेरे लिए हमने गाड़ी फिर से रोक दी है. आप लोग बादल देखो, कोको अपनी पोटी दिखेगा. अरे नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ चला गया पता नहीं कहाँ गया. अभी समीरन गया है कोको को पोटी कराने, और पापा सुबह एक बारी मैं गया था, फिर एक बार ये, अभी समीरन की बारी थी, उसके बाद पापा की बारी आएगी. लेकिन पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं. नज़र क्यों नहीं आ रहे मेरे को. चलो सही है. टाइम 6:48 और अरे गूगल मैप भी बंद हो गया. यहाँ से करीबन करीबन 70-75 किलोमीटर रह गए. 1.5 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे. 8:15 तक होटल हमने बुक कर दिया. जाएंगे होटल में आराम करेंगे, और कल देखते हैं कल का क्या प्लान है, कि वहीं घूमेंगे, आगे निकलेंगे, वापस आएंगे, जैसा भी होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे. वो देखो भाई, अब जाके पापा नज़र आए हैं. ये देखो देखो, गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, ये कर दी पोटिया. मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. क्या बात है. इस टूर पे ना भाई सिर्फ एक ही बंदा मजे लेने आया, ये खाओ हगो, खाओ हगो. सुबह से हमने कुछ नहीं करा, पहले इसको खिलाया हगाया, फिर खिलाया फिर हगाया, फिर खिला रहे हैं. अब इसकी अग्नि की तैयारी कर रहे हैं. जिंदगी के मजे ये ले रहा भाई. हमने तो क्या भाई, सुबह से लेकर बारिश में गाड़ी चलाई, अभी सामने धूप हो गई, इसी को देख के खुश हो रहे हैं. हाँ हाँ धूप आ गई, धूप आ गई, धूप आ गई. और इसको देखो भाई, जिंदगी के मजे. वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, स्वागत है आपका. कैसे हैं? स्वागत हो आपका सर. कैसे हो? बर्थडे पे आना था. अरे अरे बढ़िया बढ़िया. और सेहत ठीक है आप? एकदम बढ़िया भाई. थैंक यू भाई. कोई सेवा पानी? अरे थैंक यू, आप मेरे लिए काफी. जम्मू जा रहा हूँ अभी. चलो ओके जी, ध्यान रखना. बाय बाय. बाय बाय. ठीक है भैया. ओके जी, आपको भी वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर. पहुंच गए हम JNK. जम्मू यहाँ से रह गए करीबन करीबन सिर्फ 27 किलोमीटर. टांडी के टोल पे खड़ा हूँ. टांडी के ठंडी की टोल पे खड़ा लड़का खड़ा हुआ है पास वाला. क्या नाम है? बोल अजीत के पास जाना है. अजीत के पास जाना है. अजीत से बात करा दे भैया. चाय किसी लड़के से बात करा दे यार. बात क्या कराऊ, ये साथ ही खड़े हैं, ले बात कर ले. कोई बात नहीं, बोला उन्होंने. अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया. हाँ हो गया भाई, बिना चाय पिए तो जाएगा भी नहीं. चाय कहाँ मिलेगी? नहीं नहीं वो बोल रहा था चाय पी के ना लेट हो जाएंगे. अरे नहीं नहीं इतना ही हो गया, काफी है भाई. मैं ऐसे ही देख रहा था तेरा नाम चलता नहीं चलता. तेरा तो नाम चलता है भाई, हम मजाक में ले रहे थे. चल ठीक है ठीक है भाई साहब. बेइज्जती रही है, बढ़ गई. बताओ, मेरे दोस्त का फोन आया, कह रहा भाई जम्मू के जितने भी टोल से जा रहा है ना, VIP लेन से निकली हो, सबके सब अपने हैं. मतलब अच्छा ऐसे कैसे. मैं साइड में गया, मैंने बोला भाई, अन्नू ने कहा, अनुभव जो एक बार में भटूरा खा लेता है, मैंने साइड में जाके बोला, अनुभव ने बोला
अरे सर आइए ना, चाय पानी आपके लिए तैयार है। मैला नहीं नहीं शुक्रिया, आपने भी देखा चाय पानी, क्या बात है। आज दोस्तों के लिए ना इज्जत बढ़ गई, पहले नहीं थी, पहले ऐसे लगता था फुकरे से मेरी तरह ही, मतलब आज मतलब खत्म करो यार, पहुंच जाओ फटाफट से होटल पहुंच जाओ। लो भाई पेट्रोल डलवाने का टाइम हो गया, गाड़ी में बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लगभग जम्मू पहुंच गए, पूरे नहीं पहुंचे लेकिन हाँ पहुंच गए, एंटर हो गए हैं और टैंक फुल करा रहे हैं और हाँ जीरो चेक कर लेते हैं। एक चीज और बताऊं, जब भी हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, इतनी बड़ी गाड़ी देखते ना, सबसे पहले बोलता है भाई डीजल है ना, मतलब वो डीजल की लाइन में हमें लगवाते हैं, बोलते नहीं भाई पेट्रोल है, पेट्रोल है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी कोई भी पेट्रोल नहीं चलाता, क्योंकि डीजल में एवरेज नहीं होती, तो पेट्रोल में तो क्या ही एवरेज होगी, 5-6-4 की, तो हैरान हो जाते हैं। पेट्रोल पंप ले लेगा भाई, पेट्रोल पंप लिया है ना, तो फिर लिया, ये अपना ही है, अपना ही है, जब पैसे देके पेट्रोल हर जगह डल रहा है तो टेंशन के लिए नहीं है ना, जहाँ पैसे दिए वो पेट्रोल पंप अपना हो गया है ना। चल रही है क्या गाड़ी, बिल्कुल रुकी हुई है गाड़ी, तेरी गाड़ी चल रही है, अगर चल रही होती तो पाइप साफ साफ में आ जाती, ऑन कौन है। क्या साबुन नहीं मिल रहा, उनको साबुन नहीं मिल रहा, और ये देखो इसको, देखो इसको अपनी बेल्ट खींचने की पड़ी है, इसको भी जाना, कहाँ जाना तुमने, हेलो आ तेरी बेल्ट खोल दूँ, कोको पास आएगा तभी तो खोलूंगा, ये ले इसको भी साबुन ढूंढने जाना है, जा जी ले अपनी जिंदगी, भाग गया इसको लगा बाहर जा रहा है घूमने, सारे यहीं बैठे हैं। तो भाई एकदम बढ़िया तरीके से हम जम्मू पहुंच गए हैं, ये हमारा रूम है, ऐसे एक रूम और है, अभी थोड़ा थकावट वाला फील हो रहा है, थोड़ा यहाँ बैठेंगे टीवी देखेंगे, बातें करेंगे, और होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया लाइक करना बिल्कुल मत जाना, कुछ भी अच्छा लगा हो ना, देखो जितने बंदे मनाली जा रहे हैं प्लीज देख कर जाना, अगर जम्मू भी आ रहे हैं श्रीनगर भी जा रहे हैं प्लीज देख कर जाना, हमारे पास पूरा अपडेट था कि यहाँ तक का रास्ता खुला हुआ है, अगर अपडेट मिलेगा श्रीनगर तक का रास्ता खुला हुआ है तब आगे निकलेंगे, अगर अपडेट मिलेगा नहीं खुला हुआ तो वापसी निकल जाएंगे, कोई भी रिस्क वाला काम नहीं लेंगे, होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा, यहाँ तक वीडियो देख लिया लाइक करना बिल्कुल मत जाना, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, पापा बाय बाय कर दो वहीं से, बाय 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 बाय, कोको बाय बाय सबको, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।